ओके, तो आज हम बात करते हैं कि वैलोरेंट में फ्लेक्स करना सही है या फिर नहीं। एंड जिन लोगों को नहीं पता, फ्लेक्स का मतलब होता है बेसिकली तुम अपने नाइफ से थोड़ा बहुत स्टाइल कर रहे हो या फिर जो गन की स्किन्स हैं। एंड फ्लेक्स करना कुछ जगह पे यूजफुल होता है एंड कुछ जगह पे यूजलेस भी होता है। सो इसी चीज़ के बारे में हम बात करेंगे कि किस जगह पे तुम्हें फ्लेक्स करना चाहिए एंड किस जगह पे नहीं करना चाहिए। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट इट। सो सबसे पहले हम बात करते हैं गन की रिलोड करने की फ्लेक्स के बारे में। तो उसमें क्या होता है कि जब तुम शूट करने के बाद जब तुम रिलोड करते हो तो उसमें तुम्हें दिखेगा कि बीच में एक टाइम आता है जिस टाइम पे अगर तुम नाइफ आउट करते हो तब भी वो गन रिलोड हो चुका होता है। एंड इसको चेक करने के लिए तुम अपने एमओ की तरफ देख सकते हो, जैसे वो 30 या फिर 25 जितना भी एमओ हो जाता है वो तभी वहाँ पर शो करता है। एंड इस टाइम पे लोग क्या करते हैं कि नाइफ में स्विच करते हैं देन वापस से गन पे स्विच करते हैं, ये सोच के कि जल्दी कर देगा। बट एक्चुअल में दोनों एग्जैक्टली सेम है, जस्ट लाइक CS:GO उसमें भी लोग काफी ज्यादा यही करते हैं जबकि दोनों का टाइम एकदम सेम टू सेम है। उल्टा यहाँ पर अगर तुम नाइफ से खेलोगे कि नाइफ आउट करके गन निकालोगे उसमें उल्टा खतरा है कि मान लो तुम्हारा रिलोड ही नहीं हुआ बट तुमने नाइफ आउट करके ऐसा कर दिया। सो नेक्स्ट टाइम जब भी तुम रिलोड करो कभी भी ऐसे नाइफ आउट करके एनिमेशन के साथ मत खेलना। एंड जो सेकंड यूजलेस थिंग है लोग करते हैं वो है स्क्रोल से खेलना। अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे हम लोग किसी को किल करते हैं तो हम लोग स्क्रोल करते हैं जिससे कि वो नाइफ एंड गन में वापस से स्विच करता है। एंड लोग क्या करते हैं कि वॉकिंग करने टाइम भी बस ऐसे ही टाइम पास के लिए नाइफ और उसमें खाली स्क्रोल करते रहते हैं। जैसा कि तुम यहाँ पर देख सकते हो ये चीज करना इस जगह पे कोई भी यूजफुल नहीं होता एंड इसलिए ही तुम्हें इस चीज को नहीं करना चाहिए। ये उल्टा खतरा मेंटेन कर देता है कि क्या पता सामने एनिमी आ जाए तब तुमने नाइफ निकाला हो, या फिर ये मूवमेंट के साथ भी थोड़ा सा खेल लेता है। मतलब कि तुम नाइफ के साथ जा रहे हो एंड तभी तुमने वैंडल में स्विच किया तो वो स्पीड को थोड़ा सा कम कर देता है। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि तुम स्क्रोल मत यूज करो गन स्विच करने के लिए, उसकी जगह 1-2-3 कर लो, वो ज्यादा बेटर रहता है स्क्रोल से। मैंने अपना स्क्रोल की जगह जंप रखा है क्योंकि वो मेरे को सबसे बेस्ट लगता है। नाउ नेक्स्ट है ऑपरेटर के साथ नाइफ चलाना। मतलब क्या होता है कि जैसे ही कोई भी ऑपरेटर वाला बंदा जैसे ही किसी को शूट करता है तभी वो नाइफ में स्विच करता है एंड देन वापस से ऑपरेटर में करता है। एंड मैं भी एज अ ऑपरेटर मैं भी यही करता हूँ, नाइफ में स्विच करता हूँ। एंड इस टाइम पे तुम लोग पूछ रहे हो कि यार जैसे तुमने बताया कि नाइफ में करना कुछ काम का नहीं होता देन क्यों करते हो। सो इसका सिंपल आंसर है कि ऑपरेटर एक बहुत भारी गन होता है एंड इसलिए उसमें मूवमेंट में भी काफी फर्क पड़ता है। मतलब अगर तुम नाइफ और ऑपरेटर लेके चलते हो तो ऑपरेटर काफी ज्यादा स्लो होता है। एंड क्या होता है कि जब भी हम ओपन में ऑपरेटर से पीक करते हैं जैसे शूट करते हैं उस टाइम पे अगर तुम नाइफ लेके जाओगे तो तुम जल्दी कवर में पहुंच सकोगे रादर देन ऑफ ही लेके, मतलब आपका जो एनिमेशन होता है उस चीज को लेके वो काफी ज्यादा स्लो होता है। तो बेटर यही रहता है कि जैसे तुम एक को शूट करो नाइफ लेके जल्दी से कवर में पहुंचो एंड देन वापस से ऑपरेटर को ऑन करो। एंड इसी रीजन से मैं भी ऐसा ही करता हूँ। नौ जो लास्ट है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड काफी लोग यही चीज को करते हैं जो कि है ओपन में नाइफ लेके चलना। नाउ मैं समझता हूँ कि तुम लोग वॉकिंग कर सकते हो नाइफ लेके तेजी से बट उसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसको ओपन में ही पूरे टाइम रखो जहाँ पर एनिमी हो सकते हैं। एंड एक तरह से ये ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाता है कि तुम्हें लगता है कि वहां पर कोई नहीं होगा तो तुम मस्त नाइफ लेके चलते हो एंड इसी बीच में क्या होता है कि एनिमी पीक करके तुम्हें मार भी देता है। एंड इसी चीज को फिक्स करने के लिए मैं क्या करता हूँ एंड तुम्हें भी वही करना चाहिए। सो इसमें क्या है कि अगर तुम किसी क्लोज क्वार्टर में चल रहे हो तो मतलब किसी क्लोज जगह पे जा रहे होते हो तो जब भी तुम्हें लगता है जहां से एनिमी पीक कर सकते हैं वहां तक तुम नाइफ लेके जाओ एंड जैसे तुम पीक करते हो उसी के कुछ देर पहले अपना गन को निकालो। लाइक तुम क्लिप में यहां पर देख सकते हो मैं कैसे जहां पर सेफ है वहां पर मैं वॉक करके पहुंच रहा हूं एंड देन एकदम एंड पे ही मैं गन निकाल रहा हूं एंड देन पीक कर रहा हूं। एंड ऐसे जो प्रोज लोग होते हैं वो यही करते हैं, वो एकदम नाइफ और उसके बीच में जल्दी स्विच नहीं करते, वो आराम आराम से करते हैं हर चीज। एंड ऐसे ही तुम्हें भी करनी चाहिए। एंड या यही था इस वीडियो के लिए। एंड जिन लोगों को भी वैलोरेंट में इंप्रूव करना है वो मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं एंड जिन भी लोगों को लगता है कि उनकी वैंडल कंट्रोल नहीं होती वो ये वाली वीडियो देख सकते हैं। सो टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।